हेलो दोस्तों, आज हम बनाने जा रहे हैं कोकोनट चटनी, वो भी दो तरीके की, एक है लाल एक है हरी, यानी रेड एंड ग्रीन। चलिए स्टार्ट करते हैं। ग्रीन चटनी बनाने के लिए हमें चाहिए थोड़े से नारियल, उसमें चाहिए हमने अदरक, हरी मिर्च, काली मिर्च, थोड़े मक्के चने, हरा धनिया, थोड़ी चीनी भी ऐड करनी है। अगर आप चाहें चीनी अवॉइड करना तो अवॉइड कर सकते हैं। थोड़ा नमक डाल के इसको ग्राइंड करना है, यानी कि पीसना है। थोड़ा थोड़ा करके हम इसमें पानी ऐड करेंगे, एकदम पानी ज़्यादा ना ऐड करें, बिकॉज़ हमारी जो चटनी होती है उसका टेक्सचर हमें थोड़ा गाढ़ा चाहिए होता है, इस तरीके से हमें चटनी चाहिए। तो ग्रीन हमारी पिस चुकी है, अब हम रेड पीसेंगे। सेम प्रोसेस है, नारियल लेना है, उसमें हमने नारियल को कट करके डाले तो ईजिली आपका जो है पेस्ट अच्छा तैयार होगा। थोड़ा अदरक का टुकड़ा, यानी कि 1 इंच का अदरक का टुकड़ा, मक्के चने, भुने चने, काली मिर्च, लाल मिर्च डालेंगे, 3 लाल मिर्च डालिए। थोड़ा नमक डाल के, चीनी, अगेन चीनी अवॉइड करना है तो अवॉइड कर दीजिए। थोड़ा पानी डाल के इसको पीसेंगे। थोड़ा तीखा और मीठा जो फ्लेवर आता है वो बहुत बढ़िया आता है, इसलिए चीनी डालना मस्ट होती है। देखिए ये पिस चुकी है, अब इसे भी एक बाउल में निकाल लेंगे। ग्रीन और रेड कलर की चटनी हमारे डोसे के साथ बहुत ही यम्मी लगती है। बस अब इसका हम तड़का तैयार करेंगे। थोड़ा सा ऑयल लिया है, उसमें हमने डाली है धुली हुई दाल, उड़द की धुली दाल। थोड़ी सी गोल्डन होने के बाद इसमें हम डालेंगे सरसों। गोल्डन हो चुकी है, सरसों ऐड करते हैं और थोड़ी करी लीव्स ऐड करेंगे, एक लाल मिर्च। बस हमारा तड़का तैयार हो गया है। अब ये थोड़ा गर्म ही है, अब गर्म ही हमने अपने बाउल में डालना है ताकि जो फ्लेवर हो वो एकदम खुले। कोकोनट चटनी तैयार है, रेड एंड ग्रीन कलर की। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर करें ना भूलें। बेगम किचन को दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़। सपोर्ट करें, अगेन सपोर्ट करें।